हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कान में जमी सारी गंदगी को बिना दर्द के साफ करने का सबसे आसान घरेलू नुस्खा। दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसे कई अंग हैं जिन्हें साफ करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जैसे कि कानों से गंदगी, नाभि से गंदगी और आंखों से कीचड़। ऐसी कई जगह है जहां पर हम लोगों को उनकी सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम रोज नहाते हैं, महीने में एक बार बाल भी जरूर कटवाते हैं, हफ्ते में एक बार नाखून भी काट लेते हैं, लेकिन अक्सर हम कानों को साफ करना भूल ही जाते हैं। या फिर ये कहे कि आपको कान साफ करने का सही तरीका नहीं पता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कान की सारी गंदगी बिना किसी दर्द के कैसे साफ करें वो ही बताएंगे। दोस्तों, हमारे कान शरीर के बेहद जरूरी अंग होते हैं, क्योंकि अगर कान नहीं होते तो हमें कहाँ से सुनेगा। दोस्तों, कानों की समय समय पर सफाई बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कानों में खुजली, जलन या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। कानों की मैल साफ नहीं करने से बहरेपन तक का खतरा बन जाता है। कुछ लोग कान की सफाई के लिए सेफ्टी पिन डालते हैं, जो कि बहुत घातक होता है, जिससे आपके कानों के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। आप भूलकर भी सेफ्टी पिन कानों में ना डालें। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको नुस्खे बताएंगे, आप उनका प्रयोग करके अपने कानों को आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको लेने के देने पड़ जाए। दोस्तों, कान में मैल जमा होना या खोंट हो जाना एक सामान्य बात है। इसे ईयर वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सच है कि कई घरेलू उपायों से सावधानी बरतते हुए खोंट को साफ किया जा सकता है, लेकिन इस काम को एहतियात के साथ ही करना जरूरी है। अगर खोंट बहुत कड़ी होकर जम गई हो तो बेहतर है कि इसे निकलवाने आप डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि आप अगर घर पर करेंगे तो आपको रिस्क होगा। कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है। कान की खोंट को सेरुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये तेल जैसा ल्यूब्रिकेंट होता है जो डेड सेल से बनता है। इसके अलावा इसमें फैट और छोटे छोटे बाल भी मिले होते हैं। हालांकि ईयर वैक्स कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है। कई बार इसकी वजह से कान दर्द और इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है। ये ईयर ड्रम को भी ब्लॉक कर देता है। ईयरफोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने और बार बार ईयरबड का इस्तेमाल करने से कानों में खोंट अंदर की ओर जमा हो जाता है। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कानों में जमी मैल को साफ करने के चमत्कारी घरेलू उपायों के बारे में, जिनका उपयोग करके आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपके कान बिल्कुल साफ हो जाएंगे। दोस्तों, वो नुस्खे हैं। पहला नुस्खा, तेल के प्रयोग से। कान में मौजूद गंदगी अगर बहुत सूख गई है तो सफाई से पहले तेल डालकर इसे फुला लेना चाहिए। फुला हुआ वैक्स आसानी से बाहर निकल जाता है, जबकि सूखा वैक्स कानों के दीवारों पर चिपक जाता है। इसके लिए गुनगुने तेल को कान में डालकर थोड़ी देर इंतजार करें, फिर तेल को बाहर पलट दें। इसके बाद बड्स की सहायता से कान की दीवारों पर चिपकी मैल को भी साफ कर लें। इसके लिए आप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और गर्म पानी से। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को ईयरबड्स पर लगाकर कान में घुमा लें। इससे आपका कान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। गर्म पानी के प्रयोग से। दोस्तों, पानी को हल्का गुनगुना होने तक गर्म कर लें। इसके बाद ईयरबड्स की सहायता से अपने कान में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालें। गर्म पानी आपके कानों की मैल को साफ कर देता है। इसके बाद कान को झुकाकर गर्म पानी कान से निकाल लें। ये कान की मैल साफ करने का एक बेहद आसान तरीका है। अदरक और नींबू के रस से। अदरक के रस में नींबू का रस मिला लें। अब इस मिश्रण को ईयरबड्स पे लगाकर कान में घुमाएं। ऐसा करने से आपके कानों का पीएच लेवल बना रहता है। ये आपके कानों को पूरी तरह साफ करने का एक बेहद आसान तरीका है। बादाम और सरसों के तेल से। बादाम के तेल की ही तरह
सरसों का तेल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, पर सरसों के तेल की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तेल के इस्तेमाल से खोंट ढीली पड़ जाती है और आसानी से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ऐसा करते हुए आप इन बातों का भी ध्यान रखें। कई लोग ऐसे होते हैं कि कान में कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि हेयर पिन, माचिस की तिल्ली, सेफ्टी पिन, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कान साफ करें तो आप माचिस की तिल्ली, सेफ्टी पिन या हेयर पिन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, कान में से यदि आपके मवाद बहता हो तो आप क्या करें। इसके लिए आप सुहागा लें। अब सुहागे को तवे पर फुला लें। फुलाए हुए सुहागे को पीसकर कान में डालकर ऊपर से नींबू के रस की बूंद डालने से मवाद निकलना बंद हो जाता है। इसके लिए आप दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। शुद्ध सरसों या तिल के तेल में लहसुन की कलियों को पकाकर एक या दो बूंद सुबह शाम कान में डालने से आपको फायदा होगा। आपके कान से अगर मवाद बह रहा है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं बहरेपन का इलाज। दोस्तों, बहरेपन में आप दशमूल, अखरोट और कड़वी बादाम के तेल की बूंदें कान में डालें। इससे आपका बहरापन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहरेपन के लिए ही आप एक और प्रयोग भी कर सकते हैं। आप आंकड़े के पके हुए पीले पत्तों को साफ करके उस पर सरसों का तेल लगाकर गरम करके उसका रस निकालकर दो से तीन बूंद हर रोज सुबह शाम कान में डालने से बहरेपन में आपको फायदा मिलेगा। धीरे धीरे करके आपका बहरापन खत्म हो जाएगा। आप इसके लिए एक और प्रयोग भी कर सकते हैं। करेले के बीज और उतना ही काला जीरा मिलाकर पानी में पीसकर उसका रस दो तीन बूंद दिन में दो बार कान में डालने से आपका बहरापन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, यदि आपके कान में दर्द है तो आप क्या करें। आपको करना है, अदरक का रस कान में डालें। इससे क्या होगा, कान के दर्द, बहरेपन और कान के बंद होने में आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। यदि आपके कान में आवाज आती है तो क्या करें, लहसुन और हल्दी को एक रस करके कान में डालने पर आपको लाभ मिलेगा। कान बंद होने पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। अब आपको बताते हैं कि कान में अगर कीड़ा चला गया है तो आप क्या करें। दोस्तों, दीपक के नीचे का जमा हुआ तेल अथवा शहद या फिर अरंडी का तेल या प्याज का रस, इनमें से किसी एक चीज को कान में डाल सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो आपके जो कान में कीड़ा चला गया है वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके कान में नॉर्मल सा दर्द है तो आप क्या करें। सरसों या तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आंच पर रख दें। पत्ते जल जाने पर उतार कर छान लें। इस तेल की दो से चार बूंदे कान में डालने से सभी प्रकार के कान के दर्द में आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ नुस्खे जिनका प्रयोग करके आप अपने कान की मैल निकाल सकते हैं, दर्द दूर कर सकते हैं, या फिर कान में कीड़ा चला गया है वो निकाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल सा अगर दर्द है कान में तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।